इस देश में एक तबका है जो आज भी आजाद नहीं है। पूरा देश जानता है कि उस दलित के साथ, उस बच्चे के साथ किस तरह से भेदभाव किया गया। और भेदभाव ऐसा किया गया कि जब मारा गया उसके तो कान के जबड़े का नस फट गया, जिसके चलते उसकी मृत्यु हो जाती है। इंद्र मेघवाल हिंदू कहाँ था? जब ये लो हिंदू समझता तो क्या उस बच्चे को इस तरह से बेरहमी से पीटा जाता? उस मटके को सिर्फ छूने से, पानी पिया भी नहीं था वो बच्चा। आज वहाँ मनुवादी मीडिया पहुँच रहा है और क्या देखिए, दिखाने का क्या प्रयास कर रहा है कि यहाँ मटका था ही नहीं। देखिए मैटर को कैसे घुमा रहा है। इन लोगों को जरा सा भी शर्म नहीं आता है। चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। मैं भी उसी समाज से आता हूँ। मैंने कई ऐसे दफे पर मेरे साथ जो शोषण हुआ है मैं वो झेला हूँ। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का वो देन है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का वो देन है, मैं डेली पढ़ता हूँ। और पढ़ने का वो देन है कि मैं एकदम सामने से वार करता हूँ, लड़ता हूँ, क्योंकि लड़ते लड़ते मेरी मौत भी हो जाए ना तो मुझे गम नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर जब चुनाव हार गए थे ना, तो उनके उनके सामने जो व्यक्ति जीता था वो कांग्रेस का था। वो जब जीता था तो बाबा साहब एक सभा रखा था, तो बाबा साहब को बुलाया वहाँ। बाबा साहब गए, बोले पूछे कि अच्छा बताओ, चुनाव तो तुम जीत गए हो, आगे क्या करोगे? तो उसने क्या कहा जानते हैं? क्या बोला? बोला कि पार्टी जो कहेगी वही करेंगे। इसलिए वो पार्टी का वैसे आज भी पार्टी का हरिजन बन बैठे हैं, रिजर्व सीट पर जीत कर और पार्टी का हरिजन बन गए। गाली शब्द है। हाँ, उन लोगों को गाली से कम नहीं है वो लोग, क्योंकि बाबा साहब के बदौलत चुनाव तो जीतते हैं, लेकिन वही लोग समाज को खराब कर रहे हैं। वो चंद गद्दारों से मिल जाते हैं जो हमारा दुश्मन है। हमारा जो समाज है भोला भला समाज है। जब चुनाव आता है तो ये क्या करता है, हमारे ही समाज से ये लोग वोट लेता है और हमारे ही खिलाफ कानून बनाता है। ये बात जिस दिन हमारे समाज के लोगों को समझ में आ जाएगी कि हमसे ही वोट लेता है और हमारे ही खिलाफ ही लोग कानून बनाता है, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि इन लोगों को समझना पड़ेगा। और इन लोगों को समझने के बाद अपना कौन है समझना पड़ेगा। अपने को समझने के लिए बाबा साहब को पढ़ना पड़ेगा और बाबा साहब के विचार पर चलना पड़ेगा। गौतम बुद्ध को अपनाना पड़ेगा। बुद्ध ही एक मार्ग है हम लोगों के पास, बस दूसरा कोई मार्ग नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर एक बात बोले थे कि मैंने तो संविधान बना दिया, लेकिन चलाने वाले लोग जब अच्छे होंगे तो मेरा संविधान अच्छा होगा, लेकिन जब चलाने वाले लोग गलत होंगे तो मेरा संविधान भी बुरा साबित होगा। हाल वही है। आज के डेट में आरएसएस लोगों के हाथ में यह सरकार चली गई है, जिसके चलते बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को तार तार कर रहा है। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं राजकुमार मांझी और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। इस वक्त हम मौजूद है गर्दनी बाग के धरना स्थल पे और हम बात करेंगे एक राजस्थान की घटना है, जो इंद्र कुमार मेघवाल जो दलित के छात्र थे उसे छैल सिंह नाम के टीचर ने, जो हेडमास्टर था, उसको पीट पीट करके मार दिया। दरअसल ये मामला है कि टीचर मटका में अलग पानी रखे हुए थे और वो छात्र इंद्र कुमार मेघवाल टीचर के मटका का पानी पी लिया, जिससे बहुत गुस्सा आया छैल सिंह को, क्योंकि छैल सिंह ऊंची जाति के थे, स्वर्ण थे, और जो इंद्र कुमार मेघवाल थे वो नीची जाति के थे। और उन्होंने छुआछूत का मतलब आरोप लगाकर उस बच्चे को बहुत पिटाई किया। 22-23 दिनों के बाद उस बच्चे की मृत्यु हो गई, जिसके बाद पूरा बिहार क्या पूरा भारत में बवाल मचा हुआ है यह घटना पर। लेकिन हम बात करेंगे, क्या नाम है आपका? अमित मेहरा नाम है। कहाँ से हैं? मैं सारण की धरती मढ़ौरा से आए हैं हम। क्या कहिएगा इस घटना? देखिए, इस घटना को जैसे ही याद आता है, चाहे जैसे हमारे जहन में आता है, मेरा रोम रोम खड़ा हो जाता है। मतलब रोम रोम ऐसे खड़ा हो जाता है जैसे लगता है कि मैं ऐसे देश में जीता हूँ जहाँ पर 70 साल और 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया और आज भी जातिवाद के नाम पर इस देश में नंगा नाच किया जाता है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बहुत बड़ी मैसेज हम ये भी देना चाहेंगे, क्योंकि आपका चैनल के माध्यम से बहुत सारा खबर दूर दूर तक लोग देखते हैं और मैं चाहता था कि यह मैसेज आपके माध्यम से हम पहुँचाऊँ। जिस तरह से मनुवादी टीचर इंद्र मेघवाल के साथ जिस तरह से घटना का अंजाम दिया, इस देश के जो भी देखा, जिसने भी देखा, उसके आंखों में आंसू आ गए, आंखों में आंसू आ गए, दर्द छलकने लगा। मैं बहुत जल्द एक दो दिन में मैं भी उस जगह पर जा रहा हूँ। मैं पटना या इस धरना स्थल पर, चलिए मेरे कोई मित्र मिल जाए जिनके माध्यम से सारे पूरे बिहार वासियों को ये मैसेज पहुँचा सकूँ। घटना ये है कि पूरा देश जानता है कि उस दलित के साथ, उस बच्चे के साथ किस तरह से भेदभाव किया गया। और भेदभाव ऐसा किया गया कि जब मारा गया उसके तो कान के जबड़े का नस फट गया, जिसके चलते उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया के चाल देखिए, सोची देखिए, वहाँ भी मनुवादी अपना कर्तव्य एथी करने से इस बच्चे के ऊपर पेच लगा रहा है। दाव पेच लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है ये लोग। आज वहाँ मनुवादी मीडिया पहुँच रहा है और क्या देखिए, दिखाने का क्या प्रयास कर रहा है कि यहाँ मटका था ही नहीं।
देखिए मैटर को कैसे घुमा रहा है। इन लोगों को जरा सा भी शर्म नहीं आता है। चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए कि हम लोग देश के 75वां आजादी अमृत आजादी महोत्सव मना रहे हैं। क्यों मना रहे हैं भाई? इस देश में एक तबका है जो आज भी आजाद नहीं है, आज भी आजाद नहीं है। हम लोग क्या आजादी की बात करें? कहिएगा कि आजाद नहीं, आजाद नहीं रहता तो तिरंगा, सभी लोग तिरंगा फहराते, तिरंगा तो लोग फहराते हैं, लेकिन उसी तिरंगे के आड़ में लोग एक वंचित समाज को ऐसे शोषण करते हैं, लोग बेचारा दम तोड़ देता है इंसान। मैं भी उसी समाज से आता हूं, मैंने कई ऐसे दफे पर मेरे साथ जो शोषण हुआ है मैं वो झेला हूं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का वो देन है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का वो देन है, मैं डेली पढ़ता हूं, और पढ़ने का वो देन है कि मैं एकदम सामने से वार करता हूं, लड़ता हूं, क्योंकि लड़ते लड़ते मेरी मौत भी हो जाए ना तो मुझे गम नहीं है। अच्छा, मनवादियों के दिमाग में क्या चल रहा है? कभी मुछ रखने पर, कभी घोड़ा चढ़ने पर, तक एगो मुख्यमंत्री हुए बिहार के, पूर्व मुख्यमंत्री हैं जीताराम मांझी जी, जो एक मंदिर में गए थे तो दबा दिया गया था, तो ऐसे क्या देश विकास करेगा? कैसे देश विकास करेगा? ये लोग देखिए, पहले तो धर्म के नाम पर लोग राजनीति करता ही है, अब देखिए उस धर्म के बाद एक लोग लो हिंदू धर्म को बताता है, और हिंदू धर्म में अनेकों जातियां है, इसमें लोग खंड 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 बांटा है। वो इंद्र कुमार मेघवाल हिंदू नहीं था? इंद्र मेघवाल हिंदू कहाँ था? जब ये लोग हिंदू समझता तो क्या उस बच्चे को इस तरह से बेरहमी से पीटा जाता? उस मटके को सिर्फ छूने से पानी पिया भी नहीं था वो बच्चा, वो बेजुबान बच्चा है एक टाइप समझिए, दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा का कितना सेंस होगा? उसको तो पता भी नहीं होगा कि मैं कैसे बोल सकता है, लेकिन ये कह सकते हैं कि सेंस नहीं होगा कि किसका पानी सिर्फ उसे हाँ, बस उतना ये सेंस नहीं होगा ना कि क्या जाति की धर्म के नाम पर भी इस तरह से शोषण होता है। बच्चा को पता भी नहीं होगा कि जाति क्या है धर्म क्या है। हाँ, उसको क्या पता? इस बच्चे को नहीं पता। अगर उस बच्चे को पता होता तो क्या उस मटके घड़े को छूता? और छूने के बाद छैल सिंह को देखिए, घोर मनवादी, इस तरह से अनेक को प्रत्येक क्षेत्र में ऐसे लोग बैठे पड़े हैं जो आपको शोषण करने के लिए आपको आपके हमारे आपके सामने नजर बैठा के टकटकी भिरा के देखते रहते हैं। जब मौका मिलता है वो कुचल देने के लिए तैयार रहते हैं, तैयार रहता है कुचल के, हमको मौका मिला के कुचल दे दो। बस बस वो लोग मौका की इंतजार करता है। देखिए वो लोगों का एक और बहुत बड़ी चाल है, वो लोग क्या करता है, अपने लोगों से ही रिलेशन करता है, संबंध बनाता है, रिलेशन करता है, दोस्ती बनाता है, अब मौका की तलाश करता है, जहां पर आपको देख लेता है कि इस जगह से अब इसको मसल देना है मसल देता है लोग। बसरते अब हम लोगों को सजग होने की जरूरत है, बाबा साहेब अम्बेडकर को पढ़ने की जरूरत है। हम वाले के गो हैं आप लोग? बहुत कम। आज के डेट में जो अम्बेडकरवादी के लोग जो जो ढोंग कर रहे हैं वो सिर्फ 14 अप्रैल को जयंती मना के लोग समझते हैं कि बाबा साहब का हम लोग कार्य कर दिए, बाबा साहब की जयंती मना के बाबा साहब को हम लोग रास्ते पर चल रही है। नहीं, ये बाबा साहब के कार्य को किया जाए, बाबा साहब को कार्य करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि सबसे पहले तो पढ़ना पड़ेगा बाबा साहब को। जब बाबा साहब को पढ़ेंगे आपके अंदर ऑटोमेटिक क्रांति आ जाएगी। जब क्रांति आ जाएगी इस देश में, जो हमारी जो फ्रीडम है, फ्रीडम जो हम लोगों का जो रिलीजन है, जो कोई भी किसी धर्म को मान सकता है, ये जब पढ़ेंगे तभी तो समझ में आएगा। इसलिए शिक्षा जरूरी है। ये देश संविधान से चले कि मनुस्मृति से चले? आज के लिए तो मनु जितना भी मनुवादी है उन लोगों को सजा नहीं। बाबा साहेब अम्बेडकर ने बाबा साहेब अम्बेडकर एक बात बोले थे कि मैंने तो संविधान बना दिया, लेकिन चलाने वाले लोग जब अच्छे होंगे तो मेरा संविधान अच्छा होगा, लेकिन जब चलाने वाले लोग गलत होंगे तो मेरा संविधान भी बुरा साबित होगा। हाल वही है, आज के डेट में आरएसएस लोगों के हाथ में यह सरकार चली गई है, जिसके चलते बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को ये लोग तार तार कर रहा है, ये लोग खराब कर रहा है, खत्म कर रहा है। इसलिए हम लोगों को सजग होने की जरूरत है। आज जिस दिन हम लोग सजग हो जाएंगे, रोड पर उतर जाएंगे, हम लोग मनुवादियों को जवाब देने के लिए कमजोर कहीं से भी नहीं है। ये शुरुआत हो चुकी है क्रांति की। अच्छा, एक बात बताइए, अगर जब उस बच्चे को पानी छूने से, मटका को छूने से, पानी पीने से मार दिया जाता है, तो लगता है कि आप लोग मंदिर में जाइएगा तो आपको छोड़ देगा? आपका मंदिर है ही नहीं। सबसे बड़ी तो समझने की ये बात है, अपने लोगों को ये बात समझने की जरूरत है कि आपका ये मंदिर है ही नहीं। नहीं है, क्यों हम लोग वहाँ जाएंगे लात खाने के लिए जाएंगे? जब यहाँ पर मुख्यमंत्री जैसे जीतन राम मांझी हमारे माननीय मुख्यमंत्री के साथ यहाँ भेदभाव हो जाता है, तो आपके हमारे के साथ क्या होता होगा ये तो समझ सकते हैं आप ही। मतलब आम लोगों के साथ क्या होता होगा? कीड़े मकोड़े की तरह ये लोग भेदभाव करते हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ है, समझने की जरूरत है, बाबा साहब के मिशन की समझने की जरूरत है। जब तक बाबा साहब के मिशन को हम लोग समझेंगे नहीं तब तक हम लोग आगे बढ़ नहीं सकते हैं। चलिए लास्ट सवाल हम आपसे करेंगे कि ऐसे मनुवादियों के साथ जो छुआछूत मानते हैं, मंदिर में जाने से रोकते हैं, मंदिर को धवा देते हैं, समझते हैं कि अछूत है, दलित है, और भेदभाव के कारण ये देश तरक्की नहीं कर रहा, वैसे वैसे लोगों के साथ, छैल सिंह जैसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? सबसे पहली बात है, छैल सिंह के साथ फांसी के अलावा दूसरा कोई सजा होता ही नहीं है, उसको एकदम फांसी होना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो समाज है भोला भला समाज है,
जब चुनाव आता है तो ये क्या करता है, हमारे ही समाज से ये लोग वोट लेता है और हमारे ही खिलाफ कानून बनाता है। ये बात जिस दिन हमारे समाज के लोगों को समझ में आ जाएगी कि हमसे ही वोट लेता है और हमारे ही खिलाफ ये लोग कानून बनाता है, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि इन लोगों को समझना पड़ेगा। और इन लोगों को समझने के बाद अपना कौन है समझना पड़ेगा। अपने को समझने के लिए बाबा साहब को पढ़ना पड़ेगा और बाबा साहब के विचार पर चलना पड़ेगा, गौतम बुद्ध को अपनाना पड़ेगा। बुद्ध ही एक मार्ग है हम लोगों के पास, बस दूसरा कोई मार्ग नहीं है। और एक ये जो वर्तमान सरकार है, चाहे वो बिहार की सरकार हो या केंद्र सरकार हो, ये लोग समझ चुका है कि ये समाज आगे बढ़ रहा है, इसलिए क्या किया लोग शिक्षा को खराब कर दी। क्योंकि जो शिक्षित होगा, शिक्षा ही ना सवाल की जननी है मेरे भाई, शिक्षा ही सवाल की जननी है। आज जिस दिन ये समाज शिक्षित होगा तो सवाल करने लगेगा, इसलिए शिक्षा को ये लोग खराब कर रखा है। हमारे यहाँ एक जयपी यूनिवर्सिटी है, जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी, इतनी बड़ी नाम है, लेकिन इन लोगों ने इस मनुवादी लोगों के ही विचार के चलते, आप तो मालूम है हमारे समाज के कितने प्रोफेसर हैं, गिनती के इक्का दुक्का है, उन लोगों के साथ क्या दुर्व्यवहार होता है हम लोग तो रोज देखते हैं। और ये जो ये मनुवादी सिस्टम के लोग जो जयपी यूनिवर्सिटी को चला रहा है, 3 साल की डिग्री 7 साल में भी नहीं कंप्लीट हो पा रहा है, क्या है, एक सोची समझी साजिश है। एक लास्ट सवाल, आप कह रहे हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को पढ़ने की जरूरत है, उनके आदर्शों पर चलने की जरूरत है, आप हमें ये बताएं कि भारत देश में अनुसूचित जाति के बहुत सारे नेता हैं जो बाबा साहब के आरक्षण के बदौलत नेता बने हैं और उनके बदौलत धन अर्जित किए हुए हैं, आज तक इतना भी नेता है कुछ ही लोग ट्वीट करके समर्थन दे पाए हैं इंद्र कुमार मेघवाल को, बाकी क्यों नहीं? बाकी लोगों को शर्म के मारे डूब मरना चाहिए, अब ऐसे लोगों को चिन्हित कर लेना चाहिए, आज ही उन लोगों को चिन्हित करने का सही टाइम है कि अपना कौन है, यही रियल टाइम है, अपना कौन है। अभी तो पहचान में लोग एक्सपोज हो रहा है सामने, पहचान के क्या कीजिएगा, पहचान के ये करेंगे कि समय आने पर इन लोगों को अब जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि अब समाज शिक्षित हो रहा है, जग रहा है, हम एक एक करके लोगों को जवाब दीजिए, जगाएंगे हम लोग अब मिशन, जवाब कैसे दीजिएगा नेताओं को, इन लोगों को वोट से देंगे, इन लोगों को उखाड़ फेंकेंगे, बाबा साहब के बनाए हुए उस रिजर्वेशन के बदौलत आप सीट तो ले लेते हैं और बाबा साहब को भी आप कुचल रहे हैं, कल आप भी कुचल जाएंगे, उनको भी कुचल जाना है, बहुत सारे लोग कुचल गए, अब कुछ लोगों की बारी है, उन लोगों को भी कुचल जाना है, क्योंकि समाज अब शिक्षित हो रहा है, अपने बदौलत शिक्षित हो रहा है, बाबा साहब को पढ़ रहा है, मतलब ऐसे ऐसे लोग जो बाबा साहब के बदौलत नेता बने उन लोगों को सपोर्ट करना, वैसे देखिए वो सब पार्टी के हरिजन बन बैठे हैं, वैसे पार्टी के हरजन लोगों को जोरदार जूते से जवाब देना पड़ेगा जब आता है तो। बाबा साहब एक और बात, छोटी सी बात आपको हम कह के खत्म करेंगे, बाबा साहब अंबेडकर जब चुनाव हार गए थे ना, तो उनके सामने जो व्यक्ति जीता था वो कांग्रेस का था, वो जब जीता था तो बाबा साहब एक सभा रखा था, तो बाबा साहब को बुलाया वहां, बाबा साहब गए बोले पूछे कि अच्छा बताओ चुनाव तो तुम जीत गए हो, आगे क्या करोगे? तो उसने क्या कहा जानते हैं, क्या बोला? बोला कि पार्टी जो कहेगी वही करेंगे। इसलिए वो पार्टी का, वैसे आज भी पार्टी का हरिजन बन बैठे हैं, रिजर्व सीट पर जीत कर और पार्टी का हरिजन बन गए। गाली शब्द है, हाँ, उन लोगों को गाली से कम नहीं है वो लोग, क्योंकि बाबा साहब के बदौलत चुनाव तो जीतते हैं, लेकिन वही लोग समाज को खराब कर रहे हैं, उन चंद गद्दारों से मिल जाते हैं जो हमारा दुश्मन है, उन्हीं लोगों से वो लोग मिलकर अपना काम सिस्टम चला रहे हैं। उन लोगों से पहले तो हम उन लोगों से निपटना पड़ेगा ना, हम लोगों को उन लोगों से पहले जवाब देना पड़ेगा, जब वो लोग आता है चुनाव आता है तो लोग जवाब देना पड़ेगा। धन्यवाद, जितना इनसे बातचीत हुई है क्या प्रतिक्रिया है आपकी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देखते हैं तो शेयर कीजिए और यूट्यूब पे देखते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।